तो हम लोगों ने देखा कि गांव में कितने कितने लोग जो हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं जिनके पास जमीन है और कितना है और कितना नहीं है। अब रही कि चाहे जिस प्रकार के लोग हैं, चाहे धनवान किसान हैं या मध्यम वर्ग किसान हैं, मंझोले किसान जिसे बोला जाता वो हैं, या फिर छोटे किसान हैं, या वैसे लोग हैं जिसके पास जमीन यहाँ पर है ही नहीं, जो दलित वर्ग के आते हैं, धन और अर्थव्यवस्था का जरूरत तो सभी इंसान को पड़ता है, इस गांव के लोगों को भी पड़ता है। सभी लोगों को कुछ इनपुट्स, कुछ आगतों का जरूरत होता है, मतलब पूंजी का जरूरत होता है या और भी चीज चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कृषि के लिए भी चाहिए। कृषि के लिए जो जरूरी तत्व है वो जमीन, जमीन तो होना ही चाहिए, चाहे बड़ा जमीन हो चाहे छोटा जमीन हो, जमीन जब जिसके पास होगा वही फसल का प्रोडक्शन कर सकता है, कृषि को उपजा सकता है, जमीन चाहिए। जमीन हो जाने के बाद उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए। फिक्स कैपिटल में जैसे कि आ जाता है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इस प्रकार के जो मशीन है कि एक बार खरीद लिया जाता है वह लंबे समय तक चलता है, फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल सभी को चाहिए, या और अल्प इस प्रकार का अलग प्रकार का उपकरण हो सकता है, जैसे जनरेटर हो सकता है, या यूं कह सकते या यूं कहा जा सकता है कि वाटर पंप हो सकता है। वाटर पंप ये लंबे समय तक काम आने वाला कैपिटल है, पूंजी है। तो इस प्रकार के फिक्स कैपिटल हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब है बहुत सारे किसान जिसके पास जमीन है, जब वो खेती करेंगे तो उसे बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसे खाद वगैरह देने के लिए भी यूरिया डीएपी इस प्रकार की चीज, कीटनाशक चीज या इस प्रकार के छोटे मोटे चीजों को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, कार्यशील पूंजी चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। इसके अलावा कुछ कृषक हैं जिन्हें अतिरिक्त मजदूरी की आवश्यकता है, या वैसे मजदूर जो कृषक के रूप में किसी के जमीन में काम करते हैं, ज्यादा लोगों का जरूरत है अपने खेतों में, तो उसको पैसे देने के लिए भी कुछ नगद अनुपात में रुपये चाहिए, इसे भी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। तो इस प्रकार के कार्यशील पूंजी की भी जरूरत होती है। इसके बाद मैन पावर का भी जरूरत पड़ता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी, मानव श्रम। मानव श्रम में भी कई प्रकार के मानव श्रम, मानव कैटेगरी है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल चाहिए, मतलब कुशल मानव श्रम चाहिए कुछ कामों में। तो इस प्रकार से इस प्रकार के काम को करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं जो जिसमें एक्सपर्ट लोगों का आवश्यकता होता है, उसमें स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल चाहिए, स्किल्ड ट्रेंड ह्यूमन चाहिए, जिसे बोला जाता है प्रशिक्षित या शिक्षित या कुशल व्यक्ति या ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। लेकिन बहुत सारे काम, खास करके जो कृषि है, इस प्रकार के जो कृषि है या इस प्रकार के जो कैजुअल वर्क है, वहां पर विशेष करके कुशल व्यक्ति, कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। जो कृषि कार्य में निपुण होते हैं या कैजुअल काम करने में सक्षम होते हैं, तो मानव पूंजी का भी जरूरत होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी वगैरह का जरूरत पड़ता है, और इस प्रकार का और अन्य चीजों का भी जरूरत पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का कई चीजों का जरूरत पड़ता है कृषि करने के लिए। जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, जिसको ह्यूमन कैपिटल बोला जा सकता है, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, उसके बाद फिजिकल कैपिटल चाहिए, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चाहिए, कार्यशील पूंजी चाहिए, और स्किल्ड कुछ जानकारी वगैरह चाहिए। तो ये सब चीज चाहिए। ओवरऑल इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि किसान, किसानों को खेती करने के लिए, चाहे वह बड़े किसान हो या मंझोले किसान हो या छोटे किसान हो, सभी को पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे कृषकों को जब फसल लगाया जाता है तो उसे बीज खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे किसान, भारत के बहुत सारे किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है या दयनीय है, कि अधिकतर कृषक जिसके पास इस प्रकार का बहुत ही खराब कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, अपने कृषि को शुरुआत करने के लिए, चाहे धान रोपने के लिए, चाहे इस प्रकार का गेहूं रोपने के लिए या अन्य फसल लगाने के लिए,
उनका इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब होता है कि उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज किससे लेता है, कर्ज किससे लेते हैं? तो इस प्रकार के भारत के जो कृषक हैं वह कर्ज लेते हैं, जिसे वे जानते हैं, ऐसे कुछ साहूकार जो कर्ज देते हैं। तो अधिकतर साहूकार जब कर्ज देते हैं इस प्रकार के किसानों को, तो फिर उसको निचोड़ते भी हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा मूल पर, बहुत ही ज्यादा ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, सूद पर उसे पैसा देता है, और इस प्रकार किसानों को मजबूरी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पर ब्याज लेना पड़ता है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारे किसान फॉर्मल सेक्टर से जैसे बैंक से कर्ज नहीं लेने जाते हैं, नहीं लेते हैं डर से, या लेने जाते हैं तो उस प्रोसेस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट से उन्हें इस प्रकार का लोन इंटरेस्ट पर, कम इंटरेस्ट पर, या लोन या इस प्रकार के कर्ज नहीं मिलता है। इसका कारण करप्शन, हम लोग इस पर डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में जब आएंगे तो करेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रकार का समस्या है। तो इस प्रकार के जो कृषक हैं कर्ज साहूकारों से लेते हैं बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर, बहुत ही ज्यादा सूद उसका हो जाता है, बहुत ही कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम ही समय में डबल हो जाता है, तीन तीन महीना, छह छह महीना में पैसा उसका डबल हो जाता है। जानने वाले लोगों से भी, गांव के जानने वाले लोगों से भी कर्ज लेते हैं, कुछ बड़े किसान से भी लेते हैं, तो वहां भी इस प्रकार का वे लोग भी शोषण करते हैं। जहां ब्याज की दर बहुत ऊंचा होता है, सूद बहुत ही ज्यादा लेते हैं, वहीं पर उनका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शोषण भी करते हैं, या कहें बेगार करवाते हैं, फ्री में भी काम करवाते हैं, या इस प्रकार का शर्त उससे करवा लेते हैं कि अमुक टाइम पर, अमुक टाइम पर खेती के कटाई के समय में चार चार महीने, या जुताई के समय, रोपाई के समय मेरे ही खेतों में काम करना पड़ेगा। तो होता क्या है, बहुत सारे किसान जिनके पास कम जमीन है या अपना ही जमीन है, अगर वे कर्ज लेते हैं तो उस समय अपना ही खेत छोड़कर, अपना ही घर के काम, जरूरत के काम को छोड़कर दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है। बहुत सारे किसान पुरुष या महिलाएं जिनको घर का देखभाल करना होता है, बच्चों का देखभाल करना होता है, बीमार परिवारों का देखभाल करना होता है, या इस प्रकार का बहुत ही अर्जेंट काम घर में होता है, लेकिन अपने घर के, अपने ही खेत को छोड़कर दूसरे के खेत में जाके काम करना पड़ता है, क्योंकि इन शर्तों पर उन्हें लोन मिला हुआ होता है, ऋण लिया हुआ होता है, कि बदले में उसको पैसे देने वाले कर्जदाता के खेत में जाके काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शोषण बढ़ जाता है, इस प्रकार के किसानों का शोषण बढ़ जाता है, कुछ जानने वाले से भी कर्ज लेते हैं, और यही सारा समस्या है, बहुत प्रकार का शोषण होता है। इसके पहले कुछ और भी बातें जो हमें समझ लेना चाहिए, कि क्योंकि ये जो गांव है पालमपुर गांव, यह गांव एक काल्पनिक गांव है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में किसी गांव से मिलता जुलता गांव है। यह गांव जो है इसमें यातायात सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बेहतर है, यातायात सिस्टम, यह गांव नजदीकी कस्बों से या शहरों से जुड़ा हुआ है। इस गांव से 3 किलोमीटर दूर में एक कस्बा है, या यूं कहें एक छोटा सा बाजार है, जिसका नाम है रायगंज, और रायगंज से थोड़ा ही दूर में एक शहर है जो है कि शाहपुर। तो रायगंज से इस गांव के किसान या गांव के लोग जुड़े हुए हैं, और जो शाहपुर है, जो बड़ा टाउन है, इस टाउन के कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यापारी हैं, जो रायगंज में आके अपना एक बोला जाए कि कुछ सेंटर वगैरह खोले हुए हैं, और इस सेंटर के माध्यम से इस गांव के लोगों के संपर्क, इस गांव के लोगों से संपर्क रखते हैं, या यूं कहें कि इस गांव के उपज को ये लोग खरीदते हैं, या शाहपुर से जो सामान रायगंज आता है, और रायगंज के बाद सामान जो है पालमपुर गांव में आता है, या शाहपुर से बहुत सारे सामान हैं, सामान को खरीद कर पालमपुर गांव के लोग या इस प्रकार के जो व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले दुकानदार हैं, इस गांव में खरीद लेते हैं, इस गांव में बेचते हैं। पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर में रायगंज एक गांव है। इस गांव में एक दुग्ध शोधन या संग्रह कार्यशाला भी खुला हुआ है, जो दो बड़े व्यापारी शाहपुर शहर के हैं, एक चिलिंग सेंटर इस गांव में खोले हुए हैं, या इस कस्बे में खोले हुए हैं रायगंज में, और इस रायगंज में इसके आसपास के गांव के लोग या पालमपुर गांव के लोग, जो ऐसे कृषक जिसके पास दुधारू
गाय हैं, मवेशी हैं, भैंसे हैं, इस गांव के लोग जिसके पास दुधारू पशुए हैं वे अपने दूध को ले जाकर इस जो चिलिंग सेंटर है, मिल्क कलेक्शन सेंटर है, वहां पर भेज देते हैं और यह दूध इन सारे गांवों से कलेक्शन होकर दूर दूर के शहरों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार का व्यवस्था हम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इस गांव में ऐसे कृषक हैं जो गांव में गन्ना उपजाते हैं और गन्ना उपजाने के बाद गुड़ भी बना लेते हैं। उनमें से इस प्रकार का एक कृषक है मिश्री लाल। मिश्री लाल जो एक गरीब किसान है और एक खेतिहर मजदूर भी है, लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने एक कुछ बैंक से पैसे लिए, बैंक से उधार लेने, ऋण लेने में, लोन लेने में कामयाब हो गए और उस पैसे से गांव में ही गन्ना पेरने की मशीन बैठा दिया है। मतलब वहां से गुड़ बना रहे हैं और उसके बाद सुगर या चीनी बना रहे हैं। तो इस खुद ही जो उपजाते हैं जो गन्ना, उसका वे सुगर चीनी बनाते हैं, सीरा बनाते हैं और इसके साथ ही गांव के कुछ अन्य किसानों से भी गन्ना खरीद कर कलेक्शन करके अपने ही गन्ना पेरने का जो मशीन है उसमें गन्ना पेर कर चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं और वे इस चीनी और गन्ना से बना हुआ जो गुड़ है उसको नजदीकी शहर रायगंज और फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कारण क्या है, गांव में वे नहीं बेचते हैं लेकिन मिश्री लाल चीनी को, गुड़ को शाहपुर जैसे शहर में जाकर बेच देते हैं, गांव में नहीं बेचते हैं। तो कारण क्वेश्चन पूछेगा विद्यार्थी को, कारण क्या है? तो कारण यही है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि जहां पर किसी वस्तु का मूल्य ज्यादा मिलेगा, रेट मिलेगा, व्यक्ति वहीं पर उस चीज को बेचना चाहेगा। तो मिश्री लाल को जो कीमत मिलता है शहरों में, शाहपुर में ज्यादा मिलता है, गांव में उतना कीमत नहीं मिल पाता, गांव में उतना कीमत नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वे अपने गन्ना को, अपने गन्ना से बना हुआ गुड़ जो है सीधा है चीनी को शाहपुर में बेच देता है। तो ये हम देखने को मिल रहा है इस प्रकार का चीज यहाँ पर, जो बहुत सारे कृषक हैं। तो ये सब समस्या है। उसके बाद ये भी समस्या देखा जाता है कि इस गांव के, गांव में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है। जमीन नहीं है तो अर्थव्यवस्था के जीविकोपार्जन के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे का जो खेत है वहां पर काम करते हैं, काम के बदले में कुछ उसके पास पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है, तो उससे अपना जीवन चलाता है, जीविका चलाता है, भरण पोषण अपने और अपने परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं, महिला और पुरुष है, किसान और मजदूर है, जिसको काम नहीं मिलता है। खास करके कृषि के मौसम, जो 4 महीना का मौसम होता है जब धान पकता है उस समय काम नहीं होता है, कृषकों का छटनी हो जाता है, और जिसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और इसके साथ भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, जो भारत अर्थव्यवस्था का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है, एक चरित्र है, इस गांव में भी देखने को मिलता है। मतलब किसी खेत में जहां 5 आदमी का जरूरत है वहां 7 आदमी भी काम कर रहा है, और मजदूरी जो हम देखने को मिलता है पुस्तक में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है, लेकिन कहने का मतलब है जो सरकार के द्वारा या सरकारी रेट है, सरकार ने जो कृषकों या कृषक मजदूरों के लिए जो दर नियत कर दिए हैं, जो फिक्स्ड कर दिया, रेट को तय कर दिया गया है, उसके आधार पर वैसा उसका आधा या बोले उससे कम मजदूरी इस गांव में यहाँ के मजदूरों को मिल रहा है या लेने के लिए मजबूर है। तो एक कैसे होता है कि सरकार सब तय कर देते हैं इतनी मजदूरी, फिर भी लोगों का शोषण होता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का साइंस, इकोनॉमिक्स का नियम काम आता है, सरकार भी क्या कर सकता है। हाँ, सरकार चाहे तो बहुत सारा पहल, बहुत सारा इसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है करप्शन, भ्रष्टाचार भारत में, और इससे भी बड़ा समस्या जो है कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस, भारत अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव है। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है धरती पर, उसी तरह से साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स भी काम करता है हर प्रकार के अर्थव्यवस्था पर, हर प्रकार के लोगों के ऊपर। इसको गहराई से अर्थव्यवस्था के ज्ञान होने से
अर्थव्यवस्था के ज्ञान को गहराई से समझकर ही इसे दूर किया जा सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था का नॉलेज ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। इकोनॉमिक्स का ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को गरीब से अमीर बना सकता है, या जीवन में आर्थिक सुधार ला सकता है, या जीवन को उस योग बनाया जा सकता है, या व्यक्ति को उस योग बनाया जा सकता है कि जीवन में एक सुखमय जिंदगी जीवन यापन करने के सक्षम बन सके, या आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। अर्थव्यवस्था का ज्ञान, अर्थव्यवस्था का ध्यान ना होना, गहराई से अर्थव्यवस्था को नहीं समझना, या सारे समस्याओं का जड़ है। जीवन के किसी भी सेक्टर, चाहे वह घरेलू जिंदगी देखने को मिल रहा हो दफ्तर में, या प्रशासनिक व्यवस्था में, या इस प्रकार के कृषि व्यवस्था में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बा में, या कहीं पर दुनिया में, कहीं पर भी, चाहे भारत में, दुनिया के किसी भी देश में, अर्थव्यवस्था का नियम और प्रभाव लागू होता है।